हेलो बच्चों, कैसे चल रही है सभी की पढ़ाई? आई होप सभी मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज पार्ट 5 है ट्रिग्नोमेट्री का, और आज के पार्ट के अंदर हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 को पूरा का पूरा कंप्लीट। आज की एक क्लास के अंदर एक्सरसाइज 8.2 फुल कंप्लीट कर देंगे बच्चों। अब ध्यान क्या रखना है एक्सरसाइज कराते वक्त, जो इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं साथ साथ बताता रहूँगा, तो एग्ज़ाम के टाइम उन क्वेश्चंस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा जो दूसरी बात ध्यान रखनी है वो ये है कि ये पूरी एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से सॉल्व होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पिछला जो फोर्थ पार्ट आया था उसके अंदर मैंने इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की प्रूफ कराए थे, यानी कि बच्चों साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो क्यों होती है उसका प्रूफ, टेन 45 वन होता है उसका प्रूफ, सारी की सारी वैल्यूज जितनी भी यहाँ लिखी हैं साइन 0 से टेन 90 तक, ये सारी वैल्यूज आती कैसे हैं इनके प्रूफ मैंने पिछले पार्ट के अंदर आप लोगों को बताए थे। तो जो बच्चा उनको जानना चाहता है पिछला पार्ट देख लेना। इसी के साथ मैंने उस पार्ट के लास्ट में ट्रिक भी बताई थी छोटी सी इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करने की। तो बच्चों ये याद होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, ठीक है। यानी कि साइन 45 क्या होता है, या कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें साइन 30, साइन 45, टेन 30, टेन 60, उनकी वैल्यूज डालनी पड़ेंगी। तो उसको तुम लोग कब सॉल्व कर पाओगे, जब तुम्हें ये टेबल याद होगी। इसलिए इस टेबल को पक्का याद कर लेना, वरना बाद में पछताओगे, ठीक है। इसको याद कर लेना है सभी को। तो बच्चों एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करते हैं हम लोग। कॉपी पेन उठा लो, आलसी बच्चा बिल्कुल भी नहीं बनेगा कोई भी, और साथ साथ मेरे सीखते रहो, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 8.2 को, और एनसीईआरटी पेज नंबर 187 पर ये एक्सरसाइज है। छोटी सी आसान सी एक्सरसाइज है। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों, जैसा मैंने तुम लोगों को अभी बताया कि सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे बेस्ड हैं, डायरेक्ट इसका यूज करके सॉल्व हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। अभी आगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, वो भी मैं मार्क कराने वाला हूं, तो ध्यान से एक एक चीज को समझते रहो। साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। अब बच्चों ये क्वेश्चन पेपर के अंदर ज्यादा से ज्यादा एक मार्क के अंदर आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आता, लेकिन आएगा जरूर एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें इस टेबल का यूज होगा, डेफिनेटली आएगा ट्रिग्नोमेट्री से। अब बच्चों देखो, अगर किसी को ये टेबल याद नहीं है, नहीं पता, तो वो इस क्वेश्चन को आगे आगे नहीं बढ़ा पाएगा बिल्कुल भी, ठीक है। और जिसको टेबल पता है वो तुरंत से इसको सॉल्व कर देगा। कैसे? साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। डायरेक्ट वैल्यू डालेंगी, देखो बीच में यहां कुछ नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन बच्चों। फिर ये प्लस, साइन 30 क्या होता है? 1/2। कॉस 60 क्या होता है? 1/2। ये हमने वैल्यूज पुट करी, √3/√3 बच्चों 3 बन जाएगा, 2/2 4 हो जाएगा, प्लस 1/4, यानी कि ओवरऑल में 4/4 करने से कैंसिल आउट हमने किया, तो बच्चों आंसर इस पार्ट का हो जाएगा 1। ये हम लोग आंसर दे देंगे। तो एमसीक्यू में इस बार इस तरह का क्वेश्चन आने की संभावना है ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। तो सभी जरूर कर लेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं। और देखो एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पे बता देते हैं, कुछ बच्चे इस टेबल को ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ ट्रिक सीखी हुई होती है, क्योंकि बच्चों ने तरह तरह की ट्रिक तरह तरह की टीचर से सिखाते हैं, या इधर उधर से देख लेते हैं बच्चे कहीं ना कहीं से, तो उस ट्रिक के थ्रू इसको ड्रॉ करते हैं। पहले लिख लेंगे 0, 1/2, फिर उसका उल्टा करेंगे ये आ जाएगा, फिर ये, जो भी अपनी अपनी ट्रिक सबने बनाई हुई है। अब बच्चों इस टेबल को ड्रॉ करने में कम से कम मैं ज्यादा भी ना कहूं तो तुम्हारा लगभग 1 से 2 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे, अगर तुम इस टेबल को ड्रॉ करते हो 1 से 2 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे, बहुत फास्टली भी ड्रॉ करते हो तो। और बच्चों क्वेश्चन इस टेबल से कितने मार्क्स का आएगा? हद से हद 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा का नहीं आएगा। तो बच्चों तुम लोग 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन को करने के लिए 1-2 मिनट तो टेबल ड्रॉ करने में लगाओगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन में वैल्यू डाल के सॉल्व करने में लगाओगे, तो मुझे लगता है कि ये तरीका थोड़ा लंबा है और ये कोई स्मार्टनेस वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अच्छा तरीका क्या है कि इस टेबल को ना लर्न कर लो, लर्न लिखने के बजाय इसको सभी क्या कर लेंगे, लर्न। तो पेपर में ऐसा मत करना कि साइड में ड्रॉ कर रखी है पूरी टेबल, वहां से देख देख के डाल रहे हैं ना,
हमें वैल्यू लर्न होनी चाहिए फिंगर टिप्स पे। साइन 30 तुरंत से बताएं 1/2, साइन 45 तुरंत से बताएं 1/√2, टेन 30 तुरंत से बताएं 1/√3, ऐसे बिना टेबल को देखे हुए ये सबको करना है। फिर बच्चों इसका फायदा और क्या मिलेगा कि आगे 11th में 12th में भी तुम लोगों को इस टेबल का यूज करना है तो वहां के लिए भी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो भाई अगर सपोज तुम्हारे से किसी ने पूछ लिया, पूरी बात को समझो, तुम्हारे से किसी ने पूछ लिया कि भाई बताना जरा साइन 60 की वैल्यू, ऐसे ही रैंडमली पूछ लिया, तो तुम क्या पेपर पैन ढूंढोगे फिर टेबल बनाओगे पूरी की पूरी फिर बताओगे उसको हाँ ये कौन सा तरीका हुआ? तो ये बच्चों याद होनी चाहिए, वही सही तरीका है। ठीक, चलो खैर, तो ये हमने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट किया, फर्स्ट के बाद हम सीधा फोर्थ पार्ट करते हैं, क्योंकि बच्चों एक जैसे पार्ट हैं तो उनको हम लोग छोड़ सकते हैं। तो साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉसेक 60, अभी आगे इसमें बड़े इंटरेस्टिंग पार्ट्स आएंगे एमसीक्यूज और नीचे थर्ड क्वेश्चन वो इम्पोर्टेंट भी हैं, तो पहले जरा इसको कर लें, सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। ठीक है, ठीक है, देखो डायरेक्ट वैल्यूज डालेंगे, साइन 30 1/2 प्लस टेन 45 1, कॉसेक 60 क्या होता है हमारा कॉसेक और 60 2/√3 isn't it 2/√3 अपॉन sec 30, sec 30 भी 2/√3, फिर प्लस cos 60 1/2 और फिर प्लस cot 45 which is 1। वैल्यूज आ गई सारी, चेक कर लो ध्यान से, बिल्कुल देखो बच्चों ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा, 1/2 है 2/√3 है तो एलसीएम विल बी 2√3 isn't it, यहाँ ऊपर 1 देन दिस प्लस, फिर बच्चों यहाँ पर बन जाएगा 2√3, ये माइनस का 2 जा हो जाएगा 4, चेक करो हमने सिंपल एलसीएम लिया है और कुछ नहीं किया है। सिंपल एलसीएम जब हम लेते हैं तो यहाँ पर बच्चों हाँ 1 नहीं √3 बनेगा एलसीएम लेने से, क्योंकि 2√3 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो √3 बचेगा, √3 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे √3 आएगा, यहाँ पर 2√3 बन जाएगा नो डाउट, और यहाँ पर बच्चों 2√3 को जब 3√3 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, 2 × 2 करने से 4 आएगा सिंपल एलसीएम। नीचे भी 2/√3 1/2 का एलसीएम हमने लिया तो 2√3 ही एलसीएम आ जाएगा। अगर ये नहीं आ रहा है वीडियो में तो एक मिनट देख लेते हैं कैमरे में ये आ रहा है थोड़ा सा, तो बच्चों ये 2√3 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद √3 2 × 2 4 हुआ प्लस, फिर √3 आ गया हमारे पास isn't it, फिर प्लस उसके बाद यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2√3, तो 2√3 से 2√3 तो कैंसिल हो रहे हैं दोनों डिनोमिनेटर्स, अब क्या बच जाता है, क्या बच गया √3, यहाँ से √3 में प्लस 2√3 हो जाएगा तो 3√3 आएगा माइनस का 4 अपॉन में प्लस का 4 ये रहा और प्लस 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 होके 3√3 यहां से आ गया, तो भाई 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 हमारा आंसर हो गया। जो कोई बच्चा जिसकी श्रद्धा भावना जैसी हो तो भी इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4 ऐसे रेशनलाइज करके भी आगे बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी अगर एमसीक्यू में आता है एमसीक्यू में ये आंसर दिया हुआ है तो ऑब्वियसली यही छोड़ेंगे, अदरवाइज हम आगे भी थोड़ा सिंप्लीफाई इसको करेंगे। ठीक है, वैसे जब अंडर रूट डिनोमिनेटर में रूट होता है तो क्वेश्चन को रेशनलाइज जरूर करना चाहिए। ठीक है ना, 9th में सीखा था कि नहीं, तो ये बात है तो आगे सब कर लेंगे, पुरानी चीज़ है तो इसको यहीं छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं बच्चों काम की चीज़ पर। फिर आगे फिफ्थ पार्ट भी इसी तरह से है, तो आई होप सभी ये कर लेंगे, तो मैं सीधा मेन चीज पर चलता हूँ, मेन चीज यानी सेकंड क्वेश्चन जो अब की बार के लिए बच्चों इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एमसीक्यूज इस बार एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने 2 पार्ट डिस्कस कर लिए, वो मोर देन इनफ है, अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन से बड़े ध्यान से समझना एक एक चीज, और नीचे सारे पार्ट हम सेकंड क्वेश्चन में करेंगे, थर्ड क्वेश्चन करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन के सारे पार्ट करेंगे, इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें ही। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ये है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan² 30,
एमसीक्यूज में आ सकता है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, बताना है क्या होगा आंसर। तो बच्चों सॉल्व कैसे करेंगे, 2 tan 30 की वैल्यू वहां से डालो 1/√3, देखो चेक करो 10 30 वन बाय, इसलिए बच्चों मैं कह रहा हूँ टेबल याद होनी जरूरी है, फिर अपॉन में 1 + 1 + 10 square 30, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और ये लगा हुआ है स्क्वायर, तो बच्चों स्क्वायर, तो ये बन गया 2/√3 और नीचे 1 + 1/3, चेक करो रूट थ्री का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा एलसीएम नीचे 3, इधर बन गया 3 + 1, ऊपर क्या बैठा हुआ है 2/√3, तो फाइनली हमारे पास बन गया 2/√3 अपॉन में 4/3, इजंट इट, 2 से ये कैंसिल हुआ बच्चों, 2 times 3 चला गया ऊपर, तो क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास 3/√3, यही बनेगा बिल्कुल। अब यहां पर हम रेशनलाइज कर देते हैं, √3 × √3 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये बन गया 3√3 upon √3 × √3, बच्चों 3 होगा ठीक है, और 3 × 2 हो जाएगा 6। अभी देखो 3 1 = 3, 3 2 = 6 कैंसिल होगा, तो हमारे पास बचता है √3 upon 2, इसको हमने कर दिया ब्लॉक में। तो हम यहां से चले थे, हमने वैल्यू डाली 10 30 की, आराम से बहुत तसल्ली से सॉल्व करते रहे और इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास आ गया √3 upon 2 ठीक है। अब यहां देखो √3 upon 2, चार ऑप्शन दिए गए हैं किताब में, sin 60 cos 60 tan 60 sin 30, इन चारों में से √3 upon 2 किसकी वैल्यू होती है। पहला ऑप्शन है sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 upon 2 ठीक है, तो पहला ही फंस गया भाई, पहला ही आ गया झांसे में, तो यानी क्या हो गया बच्चों इसका आंसर sin 60, क्योंकि √3 upon 2 = sin 60 होता है, इसलिए ए पार्ट हम इसका आंसर लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो सेकंड पार्ट, 1 - tan² 45 upon 1 + tan² 45, कितना आसान पार्ट है, 1 - tan 45 वन होता है, स्क्वायर है तो ऐसे स्क्वायर लगाओ, फिर 1 + tan 45 फिर से वन होता है, देखो स्क्वायर है तो ऊपर यहां स्क्वायर लगा दो, तो 1 - 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 - 1 upon 1 + 1, isn't it, तो दिस विल बिकम 0/2, और बच्चों 0/2 क्या होता है, 0 ही होता है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा 0, यानी के डी, ठीक है ना, डी में दिया हुआ है, सेकंड का डी हो जाएगा 0, हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर जो है हमारा पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट जो बच्चों क्लास आएगी दैट विल बी ऑन दी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो काफी सारे बच्चों की वीक रहती है, जिससे बच्चों को लगता है डर, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऐसी जबरदस्त तरीके से हम लोग यहाँ पे करेंगे ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एग्जाम्पलर से भी डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी से भी करेंगे, एक्स्ट्रा शीट भी मिलेगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे ठीक है, बस तुम मन लगा के पढ़ो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बस प्रैक्टिस करना है, ध्यान से क्लास को पूरा अटेंड करना है, पूरा अटेंड करना जरूरी है बच्चों, क्योंकि आधी अधूरी बात फिर उससे मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी ठीक। तो हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में इसके काफी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, इंपॉर्टेंट भी है ये, यहां पर दिया है बच्चों sin 2a = 2 sin a, हमें बताना है ये a क्या होगा, तो मैं यहां पर ऑप्शन भी लिख लेता हूं ताकि डायरेक्ट अच्छे से समझ में आ जाए, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 30, तीसरा ऑप्शन है 45 और फिर अगला ऑप्शन है 60 ठीक है। देखो कितना आसान है, यहां से तुम्हें एक तरीका पता लग जाएगा, फिर इस तरीके को ना और कोई क्वेश्चन आए तो उसके अंदर भी तुम लोग अप्लाई कर सकते हो, करना क्या है हमें बतानी है ए की वैल्यू, तो हम मान लेते हैं कि ए 0 डिग्री है, सबसे पहले 0 इसके अंदर पुट करके देखेंगे कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं,
अगर जीरो इसमें डालने पर एलएचएस की वैल्यू आरएचएस की वैल्यू के इक्वल आ गई, इसका मतलब बच्चों ए की वैल्यू क्या है, जीरो ही है, जीरो ही इसका आंसर होगा। अगर एलएचएस आरएचएस के इक्वल नहीं आई जीरो डालने से, तब फिर हम अगला पॉइंट, अगला ऑप्शन ट्राई करेंगे, यानी फिर हम ए की जगह क्या पुट करेंगे, 30 पुट करेंगे और देखेंगे कि एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। और अगर यहां से भी नहीं आई तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ए की जगह 45 पुट करेंगे। तो बच्चों ये एरर ट्रायल मेथड से क्वेश्चन पूरा का पूरा चलेगा, ठीक है। हमें डालना पड़ेगा और फिर चेक करना पड़ेगा कि ये सही वैल्यू है इसके लिए कि नहीं। तो सबसे पहला ऑप्शन है जीरो का, इसको हम चेक करें। तो यहां पर बच्चों जीरो पुट करते हैं एलएचएस में, एलएचएस क्या है साइन 2a, तो मैं ए की जगह ये पहला ऑप्शन जीरो डाल रहा हूं, साइन 2 × 0, यानी कि बच्चों साइन 0 डिग्री। और साइन 0 डिग्री क्या होता है, ध्यान से देखो, साइन 0 डिग्री जीरो होता है बच्चों। तो यहां से हमारे पास तो आया जीरो। फिर आरएचएस ली हमने, आरएचएस है 2 sin a, तो 2 sin a, ए की जगह क्या डाल रहे हैं हम, जीरो पुट कर रहे हैं अभी, तो 2 × sin 0। तो बच्चों 2 × ये साइन 0 क्या होता है, अभी देखा साइन 0 तो 0 होता है, यहां पर भी दिखाई दे रहा है साइन 0 0, तो 0 रखा, यानी 2 × 0 करने से फिर से बच्चों क्या आ गया, 0। और क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया, आगे की मेहनत बच गई। देखो जरा एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ रही है, दोनों क्या आ रही है, बिल्कुल इक्वल। इसका मतलब बच्चों एंगल ए कितना होगा, 0 होगा, यह इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ए पर लगाएंगे टिक और बच्चों हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो जैसे मैंने तुम लोगों को बताया कि सपोज यहाँ पे LHS RHS के इक्वल ना आ रही होती, सपोज यहाँ कुछ और नंबर आ जाता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 आ जाता, ऐसी हमने एग्जांपल मान ली एग्जांपल के लिए, ठीक है। अब ये इक्वल नहीं है, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम A की जगह अगली वैल्यू 30 डालते हैं, ऐसे 30, उस पर चेक करते क्या आ रहा है, यहाँ भी 30 डालते, उस पर चेक करते क्या आ रहा है, उस पर इक्वल आता तो वो आंसर देते, ठीक है। तो आई होप बात क्लियर हो गई होगी, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। इसको वीडियो को करो पॉज और क्वेश्चन को करो नोट। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, देखो भाई फोर्थ पार्ट 2 tan 30 degree अपॉन में 1 - tan²30। कितना आसान है, स्टार्टिंग में बता दिया तुम्हें मैंने पूरे चैप्टर का फंडा क्या है, इस आज की क्लास का टेबल फंडा है, बस टेबल से सब चलेगा। तो यहां बच्चों वैल्यू डाल दो, टेन थर्टी क्या है, 1/√3, 1 - व्हाट इज 10 30, अगेन इट इज 1/√3, और यहां पर है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगाया, आराम से इसको सॉल्व करेंगे, 2/√3 आया, अपॉन में 1 - 1/√3 आया भाई, रूट थ्री का स्क्वायर 3 होता है, यहां पर हमने लगाया 1, यहां बना 2/√3, और यहां पर अपॉन में एलसीएम लिया तो आया 3, ऊपर क्या बना 3 - 1, तो बच्चों ये बन गया 2/√3, अपॉन में 2/3, 2 से 2 हुआ कैंसिल, ये 3 गया ऊपर, तो बन गया 3/√3, इतना हमारे पास आ गया। अभी भी हमें तसल्ली नहीं हुई क्योंकि ऑप्शन में हमारे कुछ इस तरह की चीज नहीं है, तो बच्चों इसको थोड़ा रेशनलाइज करेंगे, √3 से √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये बन जाता है 3√3/√3 × √3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, केवल और केवल √3 तुम्हारे पास बच गया। अब बच्चों चारों ऑप्शन चेक करो जरा बड़े ध्यान से, पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है cos 60, क्या ये आंसर होगा, cos 60 क्या होता है, 1/2, यहां तो आ रहा है √3, तो ये आंसर नहीं है। बी ऑप्शन sin 60, क्या ये आंसर होगा, sin 60 होता है √3/2, यहां पर आ रहा है √3, ये भी आंसर नहीं है। अगला ऑप्शन tan 60, क्या ये आंसर होगा, ठीक है भाई ये आंसर होगा नो डाउट, क्योंकि tan 60 क्या है, यहां tan 60 बच्चों √3 होता है, √3 आ रहा है, तो सी पार्ट इसका आंसर, ये हम लोग टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो आई होप सभी को क्लियर हो गई होगी बात, तो वीडियो को पॉज करो, इसको करो नोट, और अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी एग्जाम्स, ठीक है। इस क्वेश्चन की मैंने बात कर रहा था स्टार्टिंग में भी, तो इस एक्सरसाइज में अगर बच्चों देखा जाए इंपॉर्टेंट के केस में, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3।
और नीचे अभी ट्रू फॉल्स आएंगे, उसमें से भी एग्जाम के अंदर तुम्हारे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन पेज नंबर 186 पर एग्जाम्पल नंबर 8 दिया हुआ है, चेक करो। एग्जाम्पल नंबर 8 और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 दोनों बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व होंगे, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इनको अच्छे से कर लेना। तो मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू √3। और बच्चों एक बात और कही है इसने हमें कि टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। क्या निकालना है? फाइंड ए एंड बी, ये एंगल ए और एंगल बी हमें निकालने हैं, हमारे सामने सवाल है। ऐसी जबरदस्त क्वेश्चन है ये, इसको करने में बड़ा मजा आता है। अभी देखना तुम लोग कितना आसान है। देखो करना क्या है, दो इक्वेशन दी हुई है, एक ये एक ये। अब इसको उठाओ, टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू। अब बच्चों करना क्या है, मैं ट्रिक बोल रहा हूं, कंसेप्ट बोल रहा हूं, इसको करने का मेथड बोल रहा हूं, अब मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना। करना क्या है, टेन के सामने यहां √3 है, टेन ए प्लस बी और सामने है √3। तो हम क्या करेंगे कि √3 की वैल्यू देखेंगे, टेन रेशियो में किस एंगल की वैल्यू √3 होती है, √3 और कहीं नहीं देखना हमें। √3 यहां पे भी आता है कोट के अंदर, ये आ रहा, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। सामने जो रेशियो दिया हुआ है उसी रेशियो की लाइन में जाके देखेंगे √3 किस एंगल पर वैल्यू है। तो बच्चों टेन में चलो, टेन वाली लाइन में, और उसमें मुझे देख करके बताओ कि √3 टेन 60 होता है, टेन 30 होता है, टेन 45 होता है, क्या होता है, टेन में ही तुम्हें बताना है। तो बच्चों तुमने चला चले 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 चले, हमने कहा ये रहा भाई √3, और ये तो क्या होता है, टेन 60, ठीक है। तो बस क्या करना है, √3 की जगह आकर टेन 60 हमें लिख देना है, सिंपल। फिर से देखो, फिर से देखो, टेन रेशियो है टेन, तो टेन वाली लाइन में देखो √3 किसकी वैल्यू है, उसे यहां लिख दो बस। तो √3 टेन में टेन 60 की वैल्यू है, चेक करो, इसलिए √3 की जगह हमने टेन 60 पुट कर दिया। अब बच्चों क्वेश्चन इतना आसान बन गया, तुम सोच भी नहीं सकते। देखो टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन 60, यानी कि जब हम एंगल्स को कंपेयर करेंगे, नाउ ऑन कंपेयरिंग एंगल्स, रेशियो बच्चों सेम हो चुके हैं, यहां भी टेन यहां भी टेन, अगर तुम यहां पे कुछ और लिखते तब ना कंपेयर कर पाते, हमने दोनों जगह सेम चीज बनाई टेन टेन। अब हम इन एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं, तो बच्चों ध्यान से देखो, ए प्लस बी इक्वल आ जाएगा 60 डिग्री के, इजंट इट, लेट दिस बी इक्वेशन वन। अब बच्चों दूसरी चीज लेकर के चले यहां पर, यह भी तो इंतजार कर रही है हमारा, तो टेन ए माइनस बी क्या करेंगे, टेन में देखेंगे 1/√3 किसकी वैल्यू है, ये रही टेन 30 की, तो रूट इसकी जगह आ गया टेन 30। फिर से बच्चों एंगल्स को कंपेयर किया, ऑन कंपेयरिंग एंगल्स, तो यहां से हमारे पास आया ए माइनस बी इज इक्वल टू 30, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, सिंपल है। अब भाई ये ए प्लस बी आया है 60 और यहां ए माइनस बी आया है 30, तुम्हें निकालना है ए और बी, कैसे निकालोगे, लीनियर इक्वेशन पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन में क्या करते थे, एलिमिनेशन मेथड से दो इक्वेशन को सॉल्व करके अननोन वेरिएबल की वैल्यूज निकाल लिया करते थे, तो हमें उसी का यूज करना है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, करो सॉल्व, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 है और ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 है, ये लगाया हमने लाइन, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हुए, ये बच्चों 2b बन गया, यहां पर प्लस माइनस माइनस होने से 30 आ गया, और यहां से b कितना आ गया 30/2, यानी कि b हो गया हमारे पास 15 डिग्री। चेक करो b हमारे पास आ चुका है 15 डिग्री, पहला आंसर। अब बच्चों a निकालना है, तो क्या करें, इससे आसान और क्या होगा,
बी की वैल्यू इक्वेशन टू में पुट कर दो या इक्वेशन वन में पुट कर दो, जिसमें भी तुम्हारा मन करे। तो यूजिंग इक्वेशन टू, मैं टू का यूज करता हूं, टू है ए माइनस बी इक्वल्स टू 30, यानी ए माइनस बी आया 15 इज इक्वल्स टू 30। तो बच्चों यहां से मेरे पास ए आ जाएगा, ए इज इक्वल्स टू 30 प्लस 15 यानी के 45 डिग्री। आंसर जरूर लिखा करो ब्रैकेट में करके ऐसे। तो बच्चों इस तरह से इसको पेपर में करना है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो कंसेप्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का एक बार फिर से, है ना, tan a प्लस बी इक्वल्स टू रूट थ्री है, तो हम लोग tan में देखेंगे रूट थ्री किसकी वैल्यू है, उसको यहां पे लिख देंगे। बस बच्चों अब हमने रेशियो सेम कर दिया, यहां भी tan यहां भी tan, तो कंपेयर करने पर दिखाई दिया a प्लस बी 60 के इक्वल आ गया, एक इक्वेशन बन गई। इसी तरह से हमने यहां पर रेशियो सेम कर दिया, tan tan a माइनस बी इक्वल्स टू हो गया 30, एक इक्वेशन ये बन गई। दोनों इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन का एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए हमने सॉल्व किया और a और b हमारे पास झट से निकल के आ गया, 3 मार्क्स अपने हो गए पक्के। ठीक है, ऐसे करना है। तो भाई चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज के एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 4 जो ट्रू फॉल्स है। तो वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को करो नोट, और अब तुम लोगों का सर वही बात कि हम लोग बच्चे हैं कि ट्रू फॉल्स करेंगे, बहुत से बच्चे ये ट्रू फॉल्स छोड़ देते हैं, करते ही नहीं उनको, तो भाई बहुत बड़ी गलती है। इस बार ये ट्रू फॉल्स करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि MCQ फॉर्मेट में आ रहा है, 20% MCQs आएंगे एग्जाम में और MCQ ट्रू फॉल्स में से बना के पूछ सकता है, तो अच्छे से इनको करना भाई जिम्मेदारी है। फर्स्ट पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन, साइन ए प्लस बी कह रहा है, बताओ जरा कि साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल होता है क्या, ट्रू और फॉल्स बताना है। अच्छा जी, तो करें इसको, देखो ऐसे करो, हम मान लेते हैं लेट ए इज इक्वल्स टू 30 एंड बी इज इक्वल्स टू 60, ऐसे हमने एंगल ले लिए, ए ले लिया 30, बी ले लिया 60, पुट करो जरा। LHS है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी यानी कि साइन ए माना हुआ है 30, बी माना हुआ है 60, तो बच्चों बन गया साइन 90। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, टेबल में देख लो। ठीक है, ये आ गया। अब बच्चों RHS पे चलते हैं, RHS है हमारे पास साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो यानी 30 और 60 डालने पर जो वैल्यू यहां से आई वही वैल्यू यहां से आनी चाहिए, अगर यहां से भी सॉल्व करने पे 1 आ गया तब तो ये बात हो जाएगी ट्रू, वरना हो जाएगी बच्चों फॉल्स। तो साइन ए यानी साइन 30 प्लस साइन बी यानी साइन 60, साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, सॉल्व करके क्या आ रहा है 1 + √3/2। ठीक है भैया, दोनों क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, LHS RHS के इक्वल नहीं आ रही है, यानी कि बच्चों ये वाली चीज, ये जो इक्वेशन है क्या दी हुई है, ये फॉल्स दी हुई है। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से हम इस चीज को समझ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, सेकंड पार्ट, सेकंड में कह रहा है द वैल्यू ऑफ, बड़ा ही अच्छा पार्ट है, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सोचना है तुम लोगों को, ये कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी जैसे जैसे थीटा बढ़ जाएगा, यानी जैसे जैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती रहेगी जैसे जैसे एंगल बढ़ जाएगा, थीटा माने जो एंगल होगा हमारा, इजंट इट। तो कह रहा है बच्चों अगर मैं एंगल को बढ़ाऊंगा तो वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो यहां टेबल के अंदर देखो, जब एंगल 0 डिग्री था तो वैल्यू 0 थी, और मैंने एंगल को बढ़ा के जैसे ही 30 किया तो वैल्यू क्या हो गई, 1/2 हो गई, यानी बढ़ गई, इजंट इट। फिर मैंने एंगल को थोड़ा और बढ़ाया, 45 कर दिया, तो वैल्यू देखो और बढ़ गई, 1/√2 हो गई।
फिर मैंने एंगल को और बढ़ाया 60 किया, वैल्यू और ज़्यादा बढ़ गई, रूट 3/2 हो गए। और जब मैं एंगल को फुल 90 पे ले गया तो बच्चों वैल्यू और बढ़ती कितनी हो गई, 1 हो गई। तो तुम देख रहे हो कि साइन में वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है ऊपर वैसे वैसे वैल्यू भी नीचे बढ़ती जा रही है, 0 फिर 1/2 फिर ये फिर लास्ट में 1 तक पहुंच गई है। ठीक है, तो यानी ये बात बिल्कुल सही है, साइन थीटा इंक्रीज होगा जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा। तो ये बच्चों हमारे पास ट्रू पॉइंट हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। देखो बच्चों, अगर यही बात कॉस के केस में करें, यहां पे लिख दें वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अब जरा बताओ मुझे तुम लोग कि इसका आंसर क्या होगा। यहां पर लिखा है वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ेगी कब, जब एंगल को तुम बढ़ाओगे। यहां चेक करना जरा, जब एंगल बढ़ता जा रहा है कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है कि घटती जा रही है। तो यहां पे मैं आंसर नहीं दे रहा हूं, तुम लोग आंसर मुझे इस चीज का कमेंट में देना, ठीक है, कि सर कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में सभी देंगे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अरे वाह, अगला पार्ट सेम टू सेम यही दिया हुआ है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट जो है वो यही है जो मैंने यहां लिख दिया है, मैंने ये देखकर नहीं लिखा था, तो अचानक से वही आ गया, बुक वाला हमारी सोच के हिसाब से सोच रहा है। तो बच्चों इसका आंसर लिखेंगे सभी, सेकंड की तरह ही होगा। अब फोर्थ पे आ जाओ, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, क्या मतलब है कि साइन 30 अगर किसी ने रखा, थीटा की जगह 30 डाल दिया, अगर किसी ने थीटा की जगह 30 रखा यहां पर, तो ऑब्वियस है यहां पर भी हमें थीटा की जगह 30 रखना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है कि साइन थीटा हमेशा कॉस थीटा के इक्वल होगा क्या? फॉर ऑल वैल्यू, सारी वैल्यूज के लिए साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो बच्चों अगर मैं इसको 30 पे चेक करता हूं, थीटा की जगह 30 डालता हूं, तो साइन 30 कितना होता है? 1/2 होता है, isn't it? और बच्चों थीटा की जगह जब यहां 30 डालेगा तो कॉस 30 कितना होता है? वो रूट 3/2 होता है। तो ये बात तो गलत हो रही है, कहां इक्वल आ रहा है, आई नहीं रहा। अच्छा अगर यहां थीटा की जगह 45 डाले, थीटा इज इक्वल टू 45, चेक करो। तो बच्चों साइन 45 कितना होता है? 1/√2। और फिर cos 45 कितना होता है? वो भी 1/√2। देखो टेबल के अंदर, तो 45 के लिए ये बात क्या हो रही है? बिल्कुल सही हो रही है। तो हम यहां देख भी सकते हैं कि 45 के केस में दोनों चीजें इक्वल है, 1/√2, 1/√2, लेकिन बाकी कोई भी वैल्यू इनकी इक्वल नहीं है, अलग अलग है। तो बच्चों ये कह रहा है कि सारी वैल्यूज के लिए ये आपस में हमेशा इक्वल रहेंगे, ना, ये केवल किस वैल्यू के लिए इक्वल रहेंगे? 45 डिग्री पर, बाकी के लिए नहीं। तो ये बात हो जाएगी फॉल्स। अब पेपर में ना पूछ सकता है एमसीक्यू में कि थीटा की किस वैल्यू के लिए साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होंगे। क्या पूछेगा पेपर में कि थीटा की किस वैल्यू के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल हो जाएंगे। तो बच्चों यहां देखो, 45 डिग्री पर साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो आंसर हम लोग 45 दे देंगे। ठीक, ऐसे सभी करेंगे। चलो खैर, अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर, तो इसको रब कर देते हैं। चलो फटाफट से लास्ट पार्ट नंबर 5। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, कैसे कर सकते हैं? कह रहा है कि ए की जगह अगर 0 डिग्री डालोगे ऐसे, तो कॉट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड आएगी, ये हमें ये कह रहा है। तो जिसको टेबल याद है वो तो बता ही देगा कॉट 0 क्या होता है बच्चों, नॉट डिफाइंड होता है कि नहीं होता। तो बात क्या है, ये ट्रू है, नो डाउट, हम तुरंत से ट्रू लगा देंगे। लेकिन इसको सोचने का एक और तरीका भी है, कॉट 0 डिग्री क्या होगा? 1/tan 0 होगा बच्चों, इज़न्ट इट, क्योंकि कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है 1/tan θ, होता है कि नहीं? देखो यहां कॉट थीटा 1/tan θ, तो भाई थीटा यहां पर 0 है, 0 रख दिया मैंने, 0। अब
वन अपॉन टेन जीरो, वन अपॉन टेन जीरो क्या होता है, टेन जीरो होता है जीरो, जीरो आ गया। और बच्चों वन अपॉन जीरो जब हम करेंगे, जब किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, isn't it? तो इसलिए कॉट जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो ये बात हमें बिल्कुल सही कह रहा है, पॉइंट ट्रू है। तो बच्चों इसी के साथ बड़े ही बढ़िया तरीके से हमारी एक्सरसाइज 8.2 पूरी की पूरी डिस्कस हो चुकी है। तो मैंने तुम लोगों को ये भी बता दिया कि इसमें कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिन पे तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। फिर साथ साथ मैंने एक पॉइंट ये भी बताया कि टेबल को जरूर लर्न कर लेना, इससे एक से दो मार्क्स में क्वेश्चन जरूर आएगा। अब बच्चों जिसका सभी को इंतजार था, अगले पार्ट से हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से होगा। तो वीडियोस को पूरा फॉलो करना और अच्छे से साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना बस, तब फिर तुम भूलोगे नहीं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए रखते हैं इतना ही। फीस क्या है वो मैं बता रखी हर बार कि भाई वीडियो को शेयर कर दो ज़रूर और बच्चों तक पहुँचा दो ताकि सभी का फ़ायदा हो जाए, प्रॉपर क्लास की तरह हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। तो खैर बच्चों पढ़ते रहें सभी जम के, बढ़िया से तैयारी करते रहें, मिलते रहेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।